मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अ साइंस टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर व्हिच इज योर रॉक्स एंड सॉइल. दिस इज योर थर्ड चैप्टर, रॉक्स एंड सॉइल. देन व्हाट इज रॉक एंड व्हाट इज सॉइल. हियर रॉक मीन्स स्टोन्स, पत्थर, और सॉइल मीन्स मिट्टी. दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स इज अ नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड इन आवर अर्थ, इनसाइड आवर अर्थ. जब जमीन को हम खोद कर उसके अंदर से जो हम निकालते हैं उसे खनिज पदार्थ, और ओडिया में बोलते हैं उसे खनिज पदार्थ. तो खनिज पदार्थ मतलब खनी के अंदर, जमीन को खोद कर जो उसके अंदर से पाया जाता है, जैसे कि हमारा होता है आयरन, सॉल्ट हमारा समंदर से आता है, समुद्र की गहराइयों से उसे निकालते हैं सॉल्ट, सिल्वर, गोल्ड, कोल, कोयला, लोहा, ये सब होता है हमारा मिनरल्स. तो इस मिनरल्स को लेकर हमारा रॉक्स बनाया जाता है. और सॉइल क्या होता है ना? सॉइल इज फॉर्म्ड ऑफ द फाइन रॉक पार्टिकल्स, वाटर, एयर एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हम ह्यूमस बोलते हैं उसे. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रॉक्स. जो रॉक्स होता है, जो पत्थर होता है, वो हर एक पत्थर एक प्रकार नहीं होता है. सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल्स. एक ही तरह के मिनरल को लेकर कुछ रॉक बनाए जाते हैं. और सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, कोई अलग अलग मिनरल्स को लेकर भी हम पत्थर पाए जाते हैं. हमारा जो अर्थ होता है वो मेनली इसी रॉक्स और सॉइल को लेकर बनाया गया है. ठीक है, तो ये जो रॉक होते हैं, दीज आर ऑफ सेवरल टाइप्स. सम आर हार्ड रॉक. हार्ड रॉक मतलब जो हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, जैसे कि हमारा डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हमारा हार्ड रॉक है. सॉफ्ट रॉक जो नर्म होता है, थोड़ा सा हार्ड रॉक के मुताबिक थोड़ा सा नर्म होता है, जिसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि चौक. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक. ठीक है, नाउ कोल. कोल जो होता है, कोयला, वो एक हार्ड रॉक होता है. कोयल इज नॉट ए हार्ड रॉक. कोयल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो हिस्से में बटा होता है उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं. लेकिन जो हम अर्थ को इनसाइड से निकालते हैं, जमीन को खोद कर निकालते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते. इसीलिए कोल को हार्ड नहीं कहा जा सकता. वो वेरी हार्ड नहीं है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है. ठीक है, अब हम आएंगे सॉइल. पत्थर क्या है पता चल गया, रॉक्स क्या है ना? दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस व्हिच आर फाउंड इन अर्थ. ठीक है, अब आते हैं हम सॉइल. सॉइल क्या होता है? मिट्टी. कैसे बनता है ना? ये जो हमारा रॉक होता है, उस रॉक पार्टिकल, टिन्नी पार्टिकल्स ऑफ रॉक, बड़े बड़े पत्थर नहीं, जब वो रॉक को टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें एयर होता है, वाटर होता है, और उसके साथ साथ ह्यूमस भी मिलता है. ह्यूमस, वाटर, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स. जब वो सब मिल जाता है तब हमारा बनता है सॉइल. तो सॉइल में मेनली क्या होता है? टिन्नी पार्टिकल्स ऑफ रॉक, एयर, वाटर, ह्यूमस. ओके, नाउ वी डिस्कस हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. सॉइल कैसे बनता है, सॉइल कैसे होता है? द एक्शन ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड चेंजेस इन वेदर ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. हमारा जो सन रेज होता है, सनलाइट होता है, सूर्य की किरणें होती है, जब एक पत्थर पर गिरता है, जैसे कि इन समर सीजन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, खुल कर बैठते हैं, लेकिन सर्दियों में हम थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा सा जैसे हम सिकुड़ कर पास बैठने के में हमारे बीच गैप ज़्यादा नहीं रखता, हम दूसरे के पास लग कर बैठते हैं, उनके पास चिपक कर बैठते हैं. लेकिन समर में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम थोड़ा सा खुल कर बैठना चाहते हैं. उसी तरह से जब सनलाइट हमारे पत्थर के ऊपर गिरता है, जो ज़्यादा हॉट होता है, जब वेदर में चेंजेस आती है, गर्मियों के दिन वो पत्थर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा खुल जाते हैं, और इन विंटर सीजन वो थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं. ऐसे खुलते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद होते हैं. ऐसे होते हुए क्या होता है ना, उनमें क्रैक आ जाता है, थोड़ा सा उनमें फट जाते हैं, वो जो बीच में से क्रैक आ जाता है. वैसे रेन भी पड़ता है, और रेन वाटर आपको पता है
कि जब हम बहता हुआ पानी एक पत्थर को भी काट सकता है, हमने पहले भी पढ़ा है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, धीरे से स्लोली जो हमारा झरना आता है तो झरना भी अपने राह में आए जो पत्थर होते हैं उन्हें भी वो पीसते हुए चले जाते हैं। उसी तरह से रेन का भी थोड़ा सा फोर्स होता है, प्रेशर डालता है इस रॉक में, जिसकी वजह से ये रॉक में क्या होता है, हल्का सा दरार आ जाता है, क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। इसी तरह से वो टूटता हुआ गिरता है, टूटता हुआ जाता है और फाइनली टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। और उसके बाद जब उस मिट्टी में एयर मिलता है और वाटर, वाटर कहाँ से आता है, रेन वाटर, और पार्टिकल्स में जब टिनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो दे हैव स्मॉल गैप्स बिटवीन देम, उनके अंदर कुछ गैप्स होता है और जहाँ पे भी गैप आते हैं एयर वहाँ पे घुस जाता है। ये एयर जो है ना ये मेहमान की तरह होता है, जैसे कि मेहमान क्या करते हैं हमारे घर में आ जाते हैं तो हमारा परिवार जैसे पूरा जैसा लगता है, जैसे कंप्लीट जैसा लगता है, उसी तरह से जो एयर होता है जहाँ पे भी उसको खाली जगह मिला वो हड़प लेता है, जैसे जमीन हड़पते हैं ना जमींदार, उसी तरह से एयर क्या करता है जिसका भी जगह खाली पाया वहाँ पर वो जाकर घुस गया। इसी तरह हमारा जो पार्ट्स टिनी पार्टिकल्स होता है जो सॉयल फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है, उस टिनी पार्टिकल्स में जो थोड़ा थोड़ा गैप होता है उस गैप में हमारा एयर आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ मिलता है ह्यूमस, ह्यूमस मैंने बताया है, ह्यूमस मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब पेड़ पौधे नेचुरल डाइजेस्टर की वजह से गिर जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं तो डिकम्पोजर, डिकम्पोजर वार्ड मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो उस पेड़ या फिर कोई पशु पक्षी अगर मर जाते हैं, इवन ह्यूमन बींग ऑल्सो जब हम मर जाते हैं तो हमें क्या करता है फेंक दिया जाता है, अभी हम जला देते हैं लेकिन पहले डेड बॉडी को फेंक देते थे, तो जब मिट्टी के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें उस शरीर को प्लांट हो या एनिमल को उन्हें एकदम से सड़ा देते हैं, पचा देते हैं उनको और उसके बाद उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमस ह्यूमस बनता है, उसे ह्यूमस बोलते हैं, जैवांश बोलते हैं डेड एनिमल और प्लांट के अवशेष को। देखिए जब ये चारों चीज़ें मिल जाते हैं तभी हमारा सॉयल फॉर्मेशन होता है, और ये जो सॉयल होता है जो ह्यूमस होता है उसका कलर इधर डार्क ब्राउन होता है या फिर डार्क ब्लैक होता है, एंड सॉइल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरीके का सॉइल मिलता है, कहीं पर एक काले कलर का मिट्टी मिलता है तो कहीं पर लाल रंग का मिट्टी मिलता है, डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सो नाउ डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर। ओके बिफोर गोइंग टू दिस आई वुड लाइक टू शो यू ए एग्जाम्पल एक्टिविटी, सपोज दिस इज ए जार, ग्लास जार, ओके पुट सम वाटर इन इट, कुछ पानी इसमें डालो एंड टेक सम सॉइल ऑल्स और कुछ मिट्टी भी इसके अंदर डालो, तो इसके अंदर डालने से थोड़ा देर छोड़ दो, जब वो बैठ जाएगा मिट्टी तो नीचे का एक हिस्सा जिसमें थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स स्टोन्स लाइक, ठीक है, उसके ऊपर भी एक लेयर आ जाएगा जो कि थोड़ा दरदरा पिसा हुआ होता है जैसे कि हमारा सैंड होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक चिकनाहट जैसे चिकनी लेयर आ जाएगा जो कि हाथों में बहुत ही सॉफ्ट और चिकना लगता है, प्लेन लगता है, स्मूथ लगता है, और उसके सबसे टॉप लेयर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे तैरते हुए नजर आएंगे, फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, ओके। देन दिस लेयर सबसे नीचे वाला बॉटम लेयर जो कि थोड़ा सा स्टोन होता है, दिस स्मॉल टोन्स आर कॉल्ड ग्रेवल, ओके, एंड अबव द ग्रेवल इज अ लेयर ऑफ सॉइल कंटेनिंग सैंड, ग्रेवल के ऊपर जो लेयर होता है उसमें ज्यादातर सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल थोड़े से दरदराहट, ये एकदम बड़े बड़े होते हैं, छोटे बड़े बड़े होते हैं और इससे थोड़ा सा छोटा, जैसे सैंड हमका हाथों को लगता है ना छोटा सा दरदरा सा महसूस होता है, वो होता है हमारा सैंड पार्टिकल, ओके। इन बॉटम लेयर ग्रेवल एंड अबव द लेयर ऑफ ग्रेवल देयर इज सैंड, ओके, एंड अबव द सैंड You can see the in the sand, you can see the particles differently, separately, अलग अलग उसका particles हमें दिखाई देगा, और above the sand you can see a layer of soil containing very fine particles, एकदम चिकना particles, हाथ को एकदम मुलायम लगेगा, plain सा लगेगा, वो वाला प्ले लेयर हमारा होता है clay का, ठीक है। इसी clay को लेकर हम बहुत सारे pots में बनाते हैं, जैसे कि हमारा toy होता है clay pot, clay toys,
हम जो पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर जो बर्तन यूज़ करते थे वो क्ले से ही बना होता है, क्योंकि बहुत ही चिकना होता है और उसे मसलना भी बहुत ईजी होता है और पॉट बनाने से इसमें कोई दरार नहीं आती। ठीक है, तो इसके बाद क्ले के बाद देखेंगे सम पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर व्हिच आर डार्क ब्राउन पीस, और वो पीस होता है हमारा पीस ऑफ ह्यूमस। ओके, तो जब हम कुछ मिट्टी एक ग्लास जार में लेंगे और उसको सेटल होने के लिए कुछ समय छोड़ देंगे तो सबसे नीचे हमारा ग्रावेल हो जाएगा। ग्रावेल जो होता है थोड़ा सा बड़े बड़े स्टोन होते हैं, उसके ऊपर आएगा हमारा सैंड, उसके ऊपर एक लेयर आएगा क्ले का और टॉप ऑफ द लेयर इज ह्यूमस। ओके, तो आपको पता चल गया कि सॉइल में क्या क्या होता है। नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। हैव यू सीन ए पॉटर मेक पॉट्स, कभी आपने देखा है कि पॉटर का जब पॉट बनाता है तो वो क्या करता है, तो एक तरीके का मिट्टी, अभी मैंने कहा वो मिट्टी होता है क्ले। ठीक है, तो इसी तरह क्ले होता है, क्ले इज अ वन टाइप ऑफ सॉइल। ओके, सो फर्स्ट वी राइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर। सो हियर देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज क्लेई सॉइल, सेकेंड वन इज योर सैंडी सॉइल एंड द लास्ट वन इज लोमी सॉइल। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे हम कि क्लेई सॉइल क्या होता है। क्लेई सॉइल, चिकनाहट, पतला सा प्लेन सा महसूस होता है एंड इट मोस्टली कंटेंस, दिस सॉइल कंटेंस टीनी पार्टिकल एंड इज स्मूथ टू टच। ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारा क्लेई सॉइल में वो बहुत ही छोटे होते हैं और स्मूथली लगता है जब हम उसे हाथों से छूते हैं एंड इट कंटेन मोस्टली क्ले, इसमें ज़्यादा क्ले ही होता है, इसीलिए इसका नाम होता है हमारा क्लेई सॉइल। एंड इन दिस पार्टिकल दे डू नॉट हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल होता है उनका, सॉरी ये जो सॉइल होता है उनका जो पार्टिकल्स होता है उनके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होता है। ज़्यादा गैप ना होने के कारण पानी जो होता है इसके अंदर से फ्लो नहीं कर सकता, अच्छी तरह से उसके थ्रू पास नहीं कर सकता। वाटर कैन नॉट गो थ्रू दिस सॉइल इजिली। द सॉइल देयरफॉर होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज स्टिकी। तो क्या होता है जब पानी इसके अंदर से जा नहीं पाता था, इसका मतलब ये उसको होल्ड कर लेता है, जब ये होल्ड करता है तो ये बहुत ही स्टिकी बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसी कारण से मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, ज़्यादातर पेड़ इस तरह के सॉइल में नहीं उग पाते। उगते हैं थोड़े थोड़े, कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं जिनको थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है, दे कैन ग्रो इन क्लेई सॉइल बट मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल। ओके, उसके बाद आता है हमारा सैंडी सॉइल। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर होगा क्या, सैंड। ठीक है, इन दिस सॉइल इट फील्स रफ एंड लूज, सॉइल विच कंटेंस ए लॉट ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जो जिस प्रकार के सॉइल में ज़्यादा हमें सैंड मिलेगा, ज़्यादा हमें सैंड मिलेगा उसे बोलेंगे हम सैंडी सॉइल। ठीक है, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं समंदर के किनारे, ज़्यादा हमारा सैंडी सॉइल होता है। एंड इस सॉइल में क्या होता है, दे हैज लार्ज पार्टिकल्स विच लॉट्स ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनके अंदर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी को होल्ड कर लेते हैं, पानी उसके थ्रू पास नहीं कर सकता। लेकिन इन सैंडी सॉइल इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं क्लेई सॉइल के मुकाबले, तो इनके पार्टिकल्स में गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी, जो पानी होता है वो इजीली पास कर जाता है। जो पार्टिकल अगर पानी को होल्ड नहीं करेंगे, इसके अंदर पानी नहीं होगा, तो जो भी पेड़ पौधे इसमें उगेंगे क्या उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसमें भी वही कारण हुआ, ये पास नहीं कर सकता लेकिन ये होल्ड करके स्टिकी हो जाता है। अगर ये पास नहीं कर सकता पानी तो इसमें से पेड़ पानी कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इसके एक तो इसके पास क्या रहा ना, इसके जो स्पेस है वो कम है लेकिन पास नहीं कर सकता पानी, और इसका क्या हुआ, पानी पास कर सकता है लेकिन जो पार्टिकल्स में गैप है वो इतना ज़्यादा है कि पानी पास कर सकता है लेकिन ये होल्ड नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी पानी ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें भी ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं उग पाते। तो लास्ट वन इज लोमी सॉइल। लोमी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड, और एकमात्र ऐसा सॉइल है जिसमें ह्यूमस भी होता है। ठीक है, क्ले, सैंड एंड ह्यूमस, लोमी सॉइल में ये तीनों चीज़ें होती हैं। एक तो पानी को पकड़ के भी रख सकता है और पानी इजीली मूव भी कर, पास भी कर सकता है,
और ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉयल व्हिच मेक्स फर्टाइल, व्हिच मेक्स सॉयल फर्टाइल। तो सॉयल को यह फर्टाइल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस लोमी सॉयल में बहुत सारे पेड़ पौधे इस लोमी सॉयल में ग्रो कर सकते हैं। लोमी सॉयल हैज़ ऑल्सो मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉयल। इस सॉयल में बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्ले भी है, सैंड भी है, ह्यूमस भी है। क्ले का एक गुण है जो कि पानी को पकड़ सकता है, सैंड का गुण है जो पानी पेड़ अपने जड़ों से अपने अंदर ले सकते हैं, और ह्यूमस है जो सॉयल को फर्टाइल करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा उग सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट में हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल्स। सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका गुरुत्व क्या है? तो पहला गुरुत्व है उसका, इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स कैन ग्रो इन सॉइल। जो प्लांट होता है वो मिट्टी में ही बढ़ता है। देखा है कभी पानी में बढ़ते हुए पेड़? हाँ होते हैं, वो वाटर प्लांट होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसका हमारा दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? यूजिंग ऑफ क्ले सॉइल वी कैन मेक सम क्ले पॉट्स, क्ले पॉट्स भी हम बना सकते हैं, और इसमें खेती बाड़ी करके हम अपना पेट भी भर सकते हैं। और सम एनिमल्स लाइक एर्थवर्म, रैबिट्स एंड मोल्स बोरो एंड लिव इन द सॉइल। बहुत ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो अपना मिट्टी के अंदर बोरो करते हैं, होल जैसा बनाते हैं और उसके अंदर रहते भी हैं। वी ऑल्सो यूज द फॉर्म ऑफ सॉइल टू बिल्ड आवर हाउसेस। हमारा घर बनाने में हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम ईंट बनाते हैं, जो ब्रिक्स बनाते हैं वो भी मिट्टी से बनता है, सीमेंट जो भी हो वो सारा को बनाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत है। तो दोज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। एंड नाउ योर चैप्टर वॉज फिनिश, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इफ़ एनी डाउट्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी।